सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। लोकसभा चुनाव की मतगणना कल यानी 23 मई को होगी। मतगणना का कार्य पूरी तरह से बिना किसी रोक टोक के हो सके, इसके लिए प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने का काम भी जोरों से जारी है। फतेहाबाद के भोडियाखेड़ा कॉलेज में स्थित ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई। मतगणना केंद्र पर बम निरोधक दस्ता भी तैनात कर दिया गया है। पूरे स्ट्रांग रूम की आज बम निरोधक दस्तों ने बारीकी से जांच की। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी धर्मवीर पुनिया ने बताया कि फतेहाबाद में मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा की गई है। पूरा मतगणना केंद्र 3 लेयर सुरक्षा में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले की लेयर का सुरक्षा जिम्मा सीआईएसएफ खुद संभाल रही है, जबकि दूसरा लेयर आईआरबी के हवाले है। सबसे अंतिम और तीसरे लेयर की सुरक्षा हरियाणा पुलिस के जवानों के कंधों पर है। वहीं हरियाणा के संवेदनशील जिलों की सुरक्षा के बारे में डीएसपी ने बताया कि फतेहाबाद में मतगणना केंद्र के रास्तों पर नाकेबंदी की गई है। पोलिंग एजेंट ही मतगणना केंद्र के अंदर जा सकेंगे, जबकि समर्थकों को मतगणना केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर ही रोक दिया जाएगा। डीएसपी ने बताया कि मतगणना के दौरान परिणामों को लेकर पार्टी के समर्थक किसी भी तरह के कानून व्यवस्था को खराब ना करें, लिहाजा खुद एसपी सभी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और सभी उम्मीदवारों से यह अपील भी की जा रही है कि वो अपने समर्थकों को काबू में रखें। इसके अलावा स्ट्रांग रूम कुल 300 जवानों के हवाले रहेगा। इसके अलावा ड्यूटी मजिस्ट्रेट और डीएसपी भी लगातार पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर बारीकी नजर रखेंगे। सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगा और इसके लिए सुबह 5 बजे से ही पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जो काउंटिंग है इसकी 3 लेयर जो प्रोटेक्शन है वो पहले से दी जा चुकी है। जो अंदर वाली क्वार्टर में है सीआईएसएफ है, उससे बाहर है आईआरबी के जवान है और आउटर क्वार्टर में लोकल पुलिस के जवान है। कल जो बाहर की भी जो भीड़ होगी उसको लेकर भी कुछ व्यवस्था की? उसके लिए अलग से 300 जो मुलाजिम है सरकार अपने लोकल जो फतेहाबाद पुलिस है वो तैनात कर दी गई है। इसमें 4 डीएसपी इनके साथ एक इंस्पेक्टर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट अलग से लगाए गए हैं। एम्बुलेंस है और अपना फायर ब्रिगेड वो तैनात रहेगी। वहीं सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फतेहाबाद में 4 विधानसभाओं की मतगणना होगी, जिनमें फतेहाबाद, रतिया, टुहाना और नरवाना शामिल है। इसके लिए तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 240 बूथों के लिए 14 टेबल और 17 राउंड रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि मतदान का कार्य शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। सभी काउंटिंग एजेंटों को और काउंटिंग स्टाफ को आई कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। कल सुबह 7 बजे उनकी एंट्री करवा दी जाएगी यहाँ, और जो राजनीतिक दलों के जो कैंडिडेट या उनके काउंटिंग एजेंट हैं उनके सामने हम ये डबल लॉक की सील भी खोलेंगे, उनको भी मैसेज कर दिया गया है। यहाँ किसी ढंग की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ नहीं है। फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।